पहले तो इसको पहन लो, ये वैसे मास्क को उतार दो, मास्क भी रख लूँगी आगे को। पहले इसको हेलमेट बहुत ज़रूरी है, हेलमेट सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। हाँ पुलिस वालों के डर से नहीं, जेब है तुम्हारा? हाँ इस साइड में हेलमेट ज़रूरी है क्योंकि मुझे अभी स्कूटी आती नहीं है, कहीं भुड़की फुड़की गए तो। गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना ब्लॉग कैसे बन रहे हैं। तो गाइज आज मैं फर्स्ट टाइम मोटिव ब्लॉगिंग कर रही हूँ, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरे ब्लॉग कैसे बन रहे हैं, आपके कमेंट से मुझे सपोर्ट मिलता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, तो गाइज आप लोगों का स्वागत है और मैं आ चुकी हूँ नए वीडियो के नए ब्लॉग के साथ। तो आज जन्माष्टमी है तो सबको हैप्पी जन्माष्टमी, सबसे पहले जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी जन्माष्टमी। तो गाइस आज ज़्यादातर सभी लोगों का व्रत होगा तो हमारा भी व्रत है और जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आज जा रही हूँ अपने मायके, मेरे हस्बैंड भी मुझे पहुँचाने आ रहे हैं तो तैयार होके बाहर पक रहे हैं। क्या सिल रहे हो? शूट, हमें यहाँ पे शूट सिलती है तो मम्मी की टेलरिंग की वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग पर कभी दिखाऊंगी मैं। पेट्रोल डाल रहे हैं स्कूटी पे, कल भाई ले गए थे ब्लॉगिंग के लिए स्कूटी तो उन्होंने भी भरवाया था, बट यहाँ आने तक फिर भी ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर अब पेट्रोल डाल रहे हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। गाइस मैं आज कर रही हूँ गोप्रो से ब्लॉगिंग, तो मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं है गोप्रो का क्योंकि इसकी दोनों साइड डिस्प्ले है। हमारे पास गोप्रो कौन सा है? हीरो 9 है हमारे पास, तो इससे बहुत अच्छी ब्लॉगिंग होती है, भाई बनाते हैं। आप एक बार चेकआउट जरूर करना लक्ष्मी फिल्म ब्लॉग्स पे, तो उस पर गोप्रो की ब्लॉगिंग है आजकल। और मौसम एकदम बढ़िया है, धूप लगी है अभी, कल भी बढ़िया था बट शाम को बारिश हो गई थी, हम टाइम से घर पहुंच गए थे लास्ट ब्लॉग पर। तो गाइस हमारी डेली लाइफ ऐसी है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ जाते हैं अब यहाँ पे से सामान लेने, यहाँ से हम सामान ले जाएंगे। अच्छा ही होता है आनंदा, अच्छा होता है ना, रख दो दूध है उसको आराम से। तो गाइस हमने यहाँ से सारा सामान ले लिया है, अब हमारा काम थोड़ा सा सुनार के वहाँ पे है, मांगटिका का ऑर्डर देना है वहाँ पे, यहाँ पे है ना अंदर। तो गाइस यहाँ पे है ये दुकान, डिजाइन दे रखा है उतने में बंद है। हाँ तो उसे वेट मांगो उसके को जाए। तो गाइस हम निकल चुके हैं यहाँ, भराड़ी हमने क्रॉस कर लिया है, यहाँ पे इन्होंने स्कूटी स्लो कर दी है, चलो नहीं जाना, तुम चलाओगी आगे से चलाएंगे। नहीं तो गाइस यहाँ पे इन्होंने मेरे को स्कूटी चलाने को दे दी है, अभी मुझे आती नहीं है थोड़ी बहुत। पहले तो इसको पहन लो, ये वैसे मास्क उतार दो, मास्क भी रख लूँगी आगे को। तो पहले इसको हेलमेट बहुत ज़रूरी है, हेलमेट सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। हाँ पुलिस वालों के डर से नहीं, जेब है तुम्हारा? हाँ इस साइड में हेलमेट ज़रूरी है क्योंकि मुझे अभी स्कूटी आती नहीं है, कहीं भुड़की फुड़की गए तो। तो गाइस ये ब्लॉग डालने के बाद मेरे ब्लॉगिंग के उसमें कुछ गैप रहेगा क्योंकि वहाँ पर नेट प्रॉब्लम है, अगर मैं ब्लॉग करूँगी तो एडिटिंग करके पोस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए कुछ दिन वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तो अगर हम हल्द्वानी जाएंगे जब तो मैं परसों आऊँगी, हल्द्वानी नहीं जाएंगे तो संडे को आऊँगी। मैडम चला रही है, मैं थोड़ा साइड एंगल से वीडियो बना रहा हूं।
वजह से बहुत टूट। तो गाइज कमेंट करके जरूर बताना ब्लॉग कैसे बन रहे हैं। तो गाइज आज मैं फर्स्ट टाइम ओटी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरे ब्लॉग कैसे बन रहे हैं। आपके कमेंट से मुझे सपोर्ट मिलता है। तो गाइज यहाँ पे दीखा बगल में पावर हाउस है, मोड़ ऊपर हॉर्न जरूर। गाइज तो रोड बहुत अच्छी यहीं तक है, इसके बाद आगे की रोड आप देखोगे तो मैं वहाँ पर ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी, वीडियो नहीं कर पाऊँगी, वहाँ पर वीडियो शूट नहीं हो पाएगी उसे। तो ये आप रोड की हालत आती है, इधर से देख लीजिए एकदम पर बहुत ही ख़राब है। यहाँ से हमारा पिंडारी ग्लेशियर 49 किलोमीटर, धाकुड़ी 18 किलोमीटर है और लोहारके 9 किलोमीटर है। और ये यहाँ पे मंदिर है और मंदिर के ऊपर से पानी देखिए आप, ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत रोड ख़राब हो रही है, बहुत बार हो चुकी है क्योंकि यहाँ से हमारी नई रोड कट रही है। ये कौन सी आप पेठी गांव के लिए कट रही थी तो उसकी रोड कट रहा था तो उसका पूरा पत्थर नीचे गिर रखे हैं, रोड भी ऊपर की पूरी टूट चुकी है जो नई बनी हुई थी। आप हालत देख सकते हो ऐसी हो रखी है यहाँ की, तो उससे नीचे वाली रोड भी मेन रोड भी ख़राब हो चुकी है हमारी है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर पानी देखे आगे कैसे आ रहा है, तो नदी हो रखी है। तो ऊपर वाली रोड आप देख सकते हैं एकदम टूट चुकी है, पूरी नई बनी थी ये देखिए, हाल ही में बनी थी और ये पूरी बनी भी नहीं है कि आगे पहले टूट चुकी है हमारी। और ये देखिए फिर से पानी, हर जगह पानी दिखाई देगा आपको आजकल। यहाँ पर हम उतर चुके हैं और पानी यहाँ पे देखिए, ये धारा रास्ता में बहुत अच्छा रखता है धारा, और यहाँ पर पानी पी रहे हैं आप ब्रत है तो भूख भी लग चुकी है इनको, कई पानी आ रहा है हर जगह से पानी है और मौसम शायद बारिश का बन रहा है यहाँ पे। तो मैं भी नहीं पहुँच रहा था, हाँ तो आप पहुँच गए। ऐसे करके पीऊँगी जब तक रात हो जाए। कैसा चिता रहे हो? इतना अच्छा चिता रही हूँ, कपड़ों से पानी प्यास लगी थी मुझे बट मैंने नहीं किया, पानी पेट ही नहीं भर रहा है पानी पी के। आज भरते हैं ना? हाँ भूख ही लगी है, पानी और पीने का मन कर रहा है, बहुत पानी प्यास है। पिंडारी ग्लेशियर 47, कटनी ग्लेशियर 47, लोहार के 7 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए ऐसे घर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे पहले एक ही है यहाँ पे। ये रहा मंदिर को जाने वाला रास्ता उधर से, यहाँ पे बैगी है, मिल चुका है मेरा भाई, मिलते हैं घर पे। आई न्यू भतीजा हूँ, भतीजा उसी ने मेरे को याद दिला दिया भतीजा करके, तो घर पे मिलते हैं आजा। ये रहा स्कूल का गेट और यहाँ पे ये देखिए, हेलो फोटो शूटिंग। और सामने रहा वो मेरा स्कूल, मैंने इसी स्कूल से किया पढ़ाई। झरना बहुत मस्त लग रहा है, मैंने कितने झरने दिखा दे हमारे वहाँ, ये फिर आगे और मिलेगा हमें, यहाँ पे रोड पे ही आता है उसका पानी आधा, तो ये देखिए आप। तो गाइस फाइनली हम घर पहुँचने वाले हैं और यहाँ से बस 2 मिनट का रास्ता और है, जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा हनुमान मंदिर है। पानी यहाँ पे बहुत कम है, परसों बारिश हुई थी, अभी भी कम नहीं है ज़्यादा ही है। तो परसों यहाँ पे से एक स्कूटी बह के गई है, तो वो भी आ रहे थे, तो यहाँ पे से भाव ज़्यादा होने के कारण स्कूटी बह के नीचे चलेगी। गाइस हम सॉन्ग पहुँच चुके हैं और खेत में धान की बालियाँ होने लगी हैं, और यहाँ पे देखिए रास्ते में पानी आ रहा है ऐसे, तो अभी तो निकले आप अंदर मम्मी। तो यहाँ पे ज्वेलर्स की नई दुकान है, यहाँ पे सामान निकाल रहे हैं, इनकी कैब की हालत ख़राब हो चुकी है, भूख से सब कुछ खाने का मन कर रहा। तो अपना आगे से जा चुके हैं, ये रहे
आपको देख सकते हैं। और ये आगे से मॉर्निंग देख के आ रहे हैं, ब्लॉगर आ रही है पीछे से। ये परफ्यूम की खुशबू, रुक रुक जा, अब दोबारा बोल, दोबारा बोल, पलाम, हाय, ये आजकल के एंड्रॉइड बच्चे वो पुरानी है थोड़ी सी, तो उसने पलाम बोला, ये थोड़ी नई है तो ये हाय बोल रही है। ए मम्मी पलाम इधर आ रही हो, ये मम्मी यहाँ पे है मम्मी, और इसने पाँव दिखा अपना कुछ नहीं पाँव दिखा था। तो गाइस यहाँ पे नए सैंडल, तो आपको भी चाहिए तो एक बार फॉर्म हो रही है फिर मिल जाएंगे सैंडल आप। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं छत पे और चंदन यहीं पे बैठी है, तो मैं छत से दिखाती हूँ हमारे सॉन्ग के नज़ारे। तो ये जा चुके हैं, आजकल बारिश हुई है और धूप भी जाने वाली है। तो गाइस धूप जा चुकी है, जाने वाले है, वहाँ पार हल्की सी बची है। कौन हो आप जानते हो? मनुष्य। और ये देखे चारों ओर हरियाली, ये मेरे को मारते हैं हमेशा। ऐसा तो मत ही कहो यार पब्लिक देख। तो गाइस सुन आता है क्या? आपने क्यों पकड़ा है ये? तो मुझे मालूम ही बोला। तो गाइस ये रहे, पता है सबको। तो गाइस ये रहे, तो गाइस ये रहे लड़के, मैं रही लड़की। हेलो गाइस कैसे हो आप लोग? हाय, तो मैं हूँ दिया धानी। क्या भूख से हालत खराब हो चुकी है इनकी, और इनकी नजर वहाँ कुकर पे है, इसमें खिचड़ी है, आज इनको खिचड़ी खाने का मन हो रहा था सुबह ही, तो इन्होंने वैसे ही व्रत रख लिया। अब भूख लगी है इनको शायद, तो खिचड़ी खाने देना बोल रहे हैं मुझसे। अब खाने देना हुआ नहीं, खाने देना हुआ मम्मी से पूछो। तो गाइस मैं बना रही हूँ यहाँ पर पूड़ियाँ, और अंधेरा होने वाला है, आधा हो चुका है, तो हमने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। खीर हमारी बन चुकी है, और सब्जी में हम बना रहे हैं आलू के गुटके, तो आलू हमने काट के रख दिए हैं। तो वीडियो में भी अंधेरा आ रहा होगा इसलिए मेंशन मत करना, इन चीज़ों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए हमारी पूड़ियाँ बन रही हैं, मम्मी पूड़ियाँ बेल रही हैं, दियू और ये बैठे हैं। हमारी बन चुकी है खीर इसमें, और अब हम चलाएंगे करेंगे पूजा। और ये है पूरी दियू पर, और ये आलू के कुटके, और यहाँ खाओगे खीरा। तो हम करते हैं पूजा। तो गाइस यहाँ पर अब हम कर रहे हैं पूजा, और अब फिर खाएंगे इसके बाद खाना। ये नहीं जलता है ना, मुझसे दिया। यहाँ पर हमारा एक छोटा सा शिवलिंग और कलश है ऊपर से, तो यहाँ पर हम पानी चढ़ा रहे हैं, तो अब अपने आ जाएगा, वो ड्रॉप हो जाता है नीचे से। तो हमने यहाँ पे पानी चला लिया और दिया जला लिया है घी में, गाय के घी में। तो मम्मी लोगों का फास्ट नहीं है क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, तो मम्मी ने फास्ट नहीं रखा है, दिन पर पूजा करके खा लिया था। और यहाँ पे ये पानी चला रहे हैं, तो खाना भी बन चुका है, अब हम खाना खाएंगे। हमने मंदिर नीचे बनाया है दादा दादी और तामजी लोगों के ऊपर। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमने पूजा कर ली है, और यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही है पीछे मम्मी, तो अब हम लोग खाते हैं खाना। हमारा नानी ने बोतल में घी दी, गाय का घी एकदम प्योर, और ये सलाद के लिए खीरा, और ये खीर और आलू के गुटके। और ये देखे गाइस हॉट केस दी पहाड़ी, क्या बोलते हैं इसको, छापड़, और ऐसे करके डलिया बोलते हैं, छापड़ बोलते हैं। तो ज़्यादा फैमिली होती है तो हम इसमें डालते हैं, और जिस पर हमारी रोटियां हैं, फिर नीचे से हमने पूरियां रखी हुई हैं इसमें गर्म होने के लिए। और ये रहे भाई साहब यहाँ पे आए हैं, कौन है ये जानते हो? पूछ रही, आपसे तुमसे
जानते हो मेरे को? किसको? खुद को जानते हो? ना यार मैं नहीं जानता। कौन है? कौन है तू? भाई यहाँ पे ये है मेरे भाई का बेटा और फ्रेंड भी है, भाई भी है, तो ये भी भाई का बेटा भी है, भाई भी है, भाई का बेटा भी है, फ्रेंड भी है, भतीजा भी है, सब चीजें है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ तो मम्मी नाश्ता बना रही है, मडुए की रोटी मैंने खा लिया शीशे में फिट कर खाऊंगा बाहर से टैप के पास ही, अभी समय लगेगा तो मैं ले आऊंगा। ये रहे मेले नानू, अभी आए थे ककड़ी और दही नानू लेके आए थे, दीव छत पे ही आई थी पहुंचाने। तो ककड़ी कब खाओगे आप? अभी खाएंगे, अभी खाओगे? दिन में का दिन में दीव, हम लोग दिन में खाएंगे ना। आपको कौन दे ला? दी और हम दिन में खाएंगे, आप लोग नहीं, आप ये नाश्ता कर रहे हैं और दीव भी नाश्ता कर रही है। तो गाइस यहाँ पे ये और दीव नाश्ता कर रहे हैं, मम्मी और मैंने कर लिया है। यहाँ पे हरी मिर्ची का नमक पीसा है और ये ककड़ी आपने देखा नानू लाए थे, तो मम्मी यहाँ पे ये ककड़ी अभी खा रही क्योंकि इनको अभी खाना है ना। ये यहाँ पे मम्मी ककड़ी कर रही है और हमारे बने थे यहाँ पे पराठे और मडुए की रोटी और ये घी और ये खीर दियो, ये चने दही डाल के और ये मेरे चने मिर्ची होते हुए मस्त है। खाओ तो कैसा लग रहा? कैसा चीज कैसा चिता रहे हो ककड़ी खा के? अच्छा चिता रहा हूँ मैं, सब खाओ तुम। मैंने बोल दिया था ज्यादा नमक मत लगाओ मिर्ची हुए करके, फिर भी लगा रहे थे। तो गाइस आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।